इलेक्शन की तारीख कौन देगा ये बात अहम नहीं, अहम बात यह है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद शाजिया मरी की ब्रीफिंग, कहा शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां जरूरी समझता है तो जरूर करे। मुस्लिम लीग नून जो चाहे इल्जाम तराशी करे, ये फैसला पार्टी करेगी कि उनके साथ कैसे डील करना है। हम किसी सूबे में कमजोर नहीं, हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों ने आज के इजलास की सदारत की। इक्कीस अक्टूबर पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक रोशन बाब बनेगा। अवाम नवाज शरीफ को दो तिहाई से ज्यादा मैंडेट दें, वादा है माशी बदहाली महंगाई बेरोजगारी के सयान धेरे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। नवाज शरीफ एक बार फिर कौम और मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। अवाम चालबाजों फ्रॉडियों झूठों और तोशा चोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का पार्टी के साबिक रकीन कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स के मुशावरती इजलास से खिताब, कहा वो यकीन दिलाती हैं कि पाकिस्तान और अवाम के अच्छे दिन आने वाले हैं। अवाम इंतखाबात में शेर पर निशान लगाएं, ये निशान शेर पर नहीं आप अपनी महरूमियों माशी बदहाली के खात्मे और महंगाई में कमी पर लगाएंगे। अवाम नवाज शरीफ को वाजह मैंडेट दें, हम अवाम को महंगाई में वाजह कमी करके दिखाएंगे। पीडीएम के तर्जमान हाफिज हमदुल्ला धमाके में जख्मी, धमाका मस्तूंग में गाड़ी के करीब हुआ, 10 मजीद जख्मियों को क्वेटा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिज हमदुल्ला की हालत खतरे से बाहर। सीटीडी का कहना है कि मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया, 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। निगरान वज़ीरे आज़म अनवर उल हक काकड़ ने हमले को बज़दिलाना फेल करार दे दिया। साबिक वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्द हर मुहिब वतन को निशाना बना रहे हैं, पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। मौलाना फजल रहमान की वाकई की शदीद मजम्मत, निगरान हुकूमत से मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा, कहा इंतखाबात से काबिल इस तरह के हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ओल्ड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, सोने के स्मगलर्स और माफिया को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बना दी गई। माफिया और स्मगलर्स की लिस्टें तैयार, गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने का काम शुरू कर दिया गया। सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज किया जाएगा जिसका फायदा आम शहरी और पाकिस्तान को होगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद, शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी गई। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुलकरनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने असद उमर की जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। दौरान समाज चेयरमैन पीटीआई के वकील बाबर अवान ने कहा कि वो अदालत को अबू अल साइफर दिखाना चाहते हैं और बाबर अवान ने यह कहकर मोबाइल पर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वीडियो दिखाई। काबीना की जैली कमेटी ने एहसन जमील गुजर और फराह गोगी के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। नायब ने एहसन जमील गुजर और फराह गोगी के नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने एक बार फिर आम इंतखाबात फरवरी में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन करवाएगा। चेयरमैन पीटीआई की वकालत पर लतीफ खोसा को शोकॉज नोटिस, पीपल्स पार्टी के 7 रोज में जवाब तलब कर लिया, जवाब न दिया तो पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। लतीफ खोसा का कहना है कि अब तक कोई शोकॉज नोटिस नहीं मिला, CEC इजलास में शिरकत की दावत जरूर मिली है, सुप्रीम कोर्ट में हम मसरूफ होने की वजह से शिरकत नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी उनकी जमात है कोई नहीं निकाल सकता। MQM पाकिस्तान और JUIFA सिंध में एक हो गए, मिलकर सियासत करने का फैसला। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची और लाड़काना समेत सिंध को कुछ नहीं दिया। JUIFA के रहनुमा राशिद सुमरो बोले इलेक्शन कमीशन तबादले तकरूरी और हल्का बंदियों पर तहफ़ुज़ात दूर करे, दूसरी सूरत में मिलकर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे।
सदर की राय गैर अहम करार, इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA के बाद निगरान वज़ीरे आज़म ने भी इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दे दिया। अनवर अल्हक काकड़ ने कहा इलेक्शन कमीशन जल्द ही मुनासिब दिन और तारीख का ऐलान कर देगा, जनवरी या फरवरी में इलेक्शन का इम्कान जाहिर कर दिया। सदर के खत पर इलेक्शन कमीशन का जवाब आना बाकी। गुज़िश्ता रोज सदर ने चीफ इलेक्शन कमीशन को तजवीज दी थी कि इंतखाबात कौमी असेंबली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी 6 नवंबर तक होने चाहिए। शराय सूद 22% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में महंगाई 38% की शरह से बढ़ रही थी, अगस्त में महंगाई बढ़ने की शरह 27.4% थी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 298 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में 1 डॉलर 86 पैसे सस्ता होकर 297.96 रुपए पर बंद हुआ। पीआईए इंतजामिया की एयरलाइन बहाल रखने की सर तोड़ कोशिशें जारी। माली बहरान से निकलने के लिए 2 बैंकों से 17 अरब रुपए कर्ज मांग लिया। कल तक अदायगी ना हुई तो 2 रोजा तातीलात के सबब बहरान संगीन हो सकता है। ताखीर हुई तो FBR को 2.5 अरब रुपए की फौरी अदायगी। तेल कंपनीज और तैयारों के लीज की अदायगी और फाजिल पुर्जों की खरीदारी रुक सकती है। आज भी मुतादिद परवाजें मनसूख और कई ताखीर का शिकार हुई। ज़राए के मुताबिक ईंधन के हुसूल में परेशानी के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो रहा है। PIA मुलाजमीन को अगस्त की अब तक नहीं हो सकी है। पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस उमर अता मंडियाल के एजाज में शाइये के बॉयकॉट का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नाम नोट में कहा है कि पाकिस्तान बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इशाइये में एहतजाजन शिरकत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे। पाकिस्तान बार चीफ जस्टिस के रेफरेंस में अदालती खामियों और खूबियों की निशानदेही करती है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस का अलविदाई रेफरेंस न होने पर अपना खिताब जारी कर दिया। हारून रशीद ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर पर तनकीद करते हुए कहा अदालत उस्मा में 60,000 मुकदमात जेर इल्तवा हैं। जेर इल्तवा मुकदमात को मुकर्रर करने और निपटाने का कोई शफाफ तरीके कार नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान बार की बार बार दरख्वास्त पर कभी मुलाकात नहीं की। चीफ जस्टिस का यही जवाब आया कि सुप्रीम कोर्ट बार से राबते में है तो मुलाकात की जरूरत नहीं। बार के ऑपरेशन के बावजूद कच्चे के डाकू बेकाबू। सिंध हुकूमत की डाकुओं को घेरने की नई हिकमत अमली। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म करने का हुक्म दे दिया। सूबाई काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि पुलिस और रेंजर्स कच्चे में आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेशन करेंगी। इजलास में ड्रग माफिया के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल फोर्स के साथ मिलकर सख्त ऑपरेशन करने का भी फैसला। कराची में मजीद 6 माह तक रेंजर्स की तैनाती में तौसी और IG पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करने की हिदायत। कराची में सखी हसन के करीब 7 साल बच्ची अंधी गोली का निशाना बन गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अली रजा निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। मुलजिम के मुताबिक उसने लूटमार होते देखी तो लूटमार करने वाले अफराद पर फायरिंग की। गोली डाकुओं की बजाय सड़क पार गाड़ी में मौजूद बच्ची को जा लगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से बरामद असलहे का फौरन जिक्र आया जाएगा। बच्ची के रिश्तेदार के मुताबिक बच्ची वालिद के साथ स्कूल जा रही थी, अचानक गाड़ी का पिछला शीशा टूटा और बच्ची को सर में गोली लग गई। MQM की राबता कमेटी ने बच्ची की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि रहजनी और कत्ल के वाकयात डाकुओं और पुलिस के गठजोड़ का शाखसाना है। कराची के शहरियों को रहजनों और पेशावर कातिलों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। कराची में अपनी नौइयत की अनोखी वारदात। गुज़िश्ता रोज़ मुसल्ला डाकुओं ने 70 अफराद से भरी पूरी बस लूट ली, मुसाफिरों को यरगमाल बनाया, 65 मोबाइल फ़ोन छीन लिए, रकम निकलवाई और फिर फरार हो गए। शाह फैसल पुलिस स्टेशन को रिवायती टाल मटोल महंगी पड़ गई। आला हुकाम के नोटिस लेने के बाद मुकदमा दर्ज। SSP कोरंगी की जानिब से SHO शाह फैसल कॉलोनी साकिब खान की सरजनिश। गफलत और नाअहली पर हेड मुहर्रर को अहदे से हटाकर हेडक्वार्टर तबादला कर दिया गया। इंटेलिजेंस अफसर फहीम और अहलकार साथ को अहदे से हटाकर क्वार्टर गार्ड कर दिया गया। का
वाला बाग डैम न बनाना गलती थी। जिन्होंने ये गलती की उनका मुआखजा होना चाहिए। काला बाग डैम को मुतनाज़े बनाया गया। मुल्की और गैर मुल्की दोनों अनासर ने रुकावट डाली। गवर्नर पंजाब बलीग़ रहमान का पाकिस्तान एनर्जी एग्जीबिशन से खिताब। कहा साबिक सदर अयूब ने मुल्क के तीन दरिया भारत के हवाले कर दिए। माजी के गलत फैसलों की सजा आवाम भुगत रहे हैं। बिजली चोरी से होने वाली तबाही का जिम्मेदार कौन है? वजारत पहले क्यों सोई रही? सेनेट की कायमा कमेटी पावर के इजलास में चेयरमैन सैफुल्ला बड़ो बरहम। कहा 5 साल अंधे बोर्ड लगाने की जिम्मेदार वफाकी सेक्रेटरी पावर हैं। वफाकी सेक्रेटरी पावर में जुर्रत नहीं कि इजलास में आकर तफसीलात ही बता दें। तब्दीली तो सेक्रेटरी की होनी चाहिए, जिसने इतना अरसा बिगाड़ को क्यों नहीं रोका? सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा कि निगरान वजीर तवानाई को इजलास में आना चाहिए था। कमेटी चेयरमैन बोले, अगर निगरान वजीर का ख्याल है कि 3 माह मौज करने आए हैं तो ठीक है, वरना इजलास में आना चाहिए। FIA को इंसानी स्मगलिंग में मतलूब 156 स्मगलरों की तलाश। इदारे ने इंसानी स्मगलरों की रेड बुक जारी कर दी। सबसे ज्यादा गुजरांवाला जोन को 71 मतलूब मुलजमान हैं। FIA के मुताबिक इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलरों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी है। बिजली चोरों से 95 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल कर लिए। वसूलियां आज 1 अरब रुपए से तजावुज कर जाएंगी। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का दावा। कहा 490 बिजली चोर गिरफ्तार और 4241 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जस्टिस अब्दुल शकूर और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल बेंच ने वफाकी हुकूमत डिस्कोज और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए। कहा फरीकैन का जवाब आने के बाद समाअत आगे बढ़ाई जाएगी। पेशावर में महकमा पुलिस बिजली के बिलों की मद में मजमूई तौर पर 13 करोड़ रुपए का नादहिंदा। बेशतर थाने बिजली के बिल नहीं भरते, बिजली चोरी भी करते हैं। पेस्को ने कच्चा चट्टा खोल दिया। थाना कोतवाली के जिम्मे 1 करोड़ 9 लाख रुपए, थाना गुलबहार 60 लाख 11 हज़ार, थाना हश्त नगरी 1 लाख 52 हज़ार और पुलिस चौकी खैबर बाजार के जिम्मे 15 लाख 1 हज़ार रुपये वाजिबुल अदा हैं। थाना काबुली 61 लाख 84 हज़ार और थाना शाहकबूल 1 लाख 48 हज़ार रुपये का नादहिंदा है। पेस्को के मुताबिक बिजली चोरी पर थाना कोतवाली पर 46 हज़ार और खैबर बाजार पुलिस चौकी पर 86 हज़ार रुपये के जुर्माने किए गए हैं। CCPO का कहना है कि कोई पुलिस थाना बिजली चोरी में मुलविस नहीं, थानों के जिम्मे बिजली के बकाया जात हैं। सुई सदन का कराची और सिंध के दीगर शहरों में गैस लोड मैनेजमेंट का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक खिंडसाखी गैस फील्ड पर बिजली के ब्रेकडाउन से गैस की पैदावार 100 MMCFD कम हो गई। नेमत बसल गैस फील्ड में तकनीकी खराबी से गैस की पैदावार 20 MMCFD कम हो गई। गैस सप्लाई सिस्टम मुतासर होने से गैस लोड मैनेजमेंट नागुजीर हो गई। सदर आरिफ अलवी ने एक सारिफ के खिलाफ इंश्योरेंस कंपनी की अपील मुस्तरद कर दी। हुक्म दिया कि इंश्योरेंस कंपनी फौरी तौर पर सारिफ को 45 लाख रुपए और 8 साल का मुनाफा अदा करे। सदर ने कहा कि कंपनी ने मामला 8 साल लटकाए रखा और शहरी की इंश्योरेंस की रकम पर मुनाफा कमाया है। इंश्योरेंस कंपनी पर इल्ज़ाम था कि उसने 45 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी के बावजूद कराची के शहरी को गाड़ी छीनने पर पैसे नहीं अदा किए। उल्टा शहरी पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने गाड़ी की कीमत ज़्यादा बताई थी। वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब पहले ही शहरी के हक में फैसला दे चुके हैं, जिसके खिलाफ इंश्योरेंस कंपनी ने सदर से अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने तहरीक इंसाफ की 90 रोज में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ने एतराज आयद किया कि दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट आने से काबिल किसी मुतअल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। आर्टिकल 248 के मुताबिक सदर मुमलिकत को दरख्वास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरख्वास्त में नहीं बताया गया कि दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ। दरख्वास्त में मुश्तरक मफादात काउंसिल का फैसला कालेदम करार देने और 90 रोज में इंतखाबात कराने की इस्तेदा कर दी गई। निगरान काबीना में सियासी वाबस्तगी रखने वालों की तकरीरी आइन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान PTI का रद्द अमल। कहा PTI वफाकी काबीना में PDM के वफादारों की तकरीरी की मजम्मत करती है। इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार निगरान हुकूमत का क्याम यकीनी बनाए।
हैदराबाद में बंगाली कॉलोनी के मकीनों का बिजली मुअत्तल होने पर सदर सब डिवीजन ऑफिस का घेराव, दफ्तर में दाखिल हो गए, नारे लगाए। मुजाहिरीन को देखकर हैस्को कामला दफ्तर से भाग गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि 8 दिन से बिजली बंद है। हैस्को अहलकारों ने रिश्वत लेकर ट्रांसफार्मर तब्दील किया जो अगले दिन फिर खराब हो गया। एक बार फिर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। तर्जमान हैस्को ने कहा, गैर कानूनी कुंडा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, एहतजाज करने वाले वाजिबात अदा करें, ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चित्राल समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले हुए। अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से खतरात दरपेश न हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान हालात का जायजा लेकर ही तोरखम सरहद खोलने का फैसला करेगा। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड माहदे में भारत से वाहगा के रास्ते सड़क से तजारत शामिल नहीं। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल पर तहफुजात हैं। अफगान हुकाम को तहफुजात से आगाह कर दिया है। जिनेवा में अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल के 54वें इजलास में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कश्मीरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन सरदार अमजद यूसुफ का इंसानी हकूक काउंसिल से भारत को कश्मीरियों का खून बहाने से रोकने की कोशिशें दुगनी करने और जम्मू कश्मीर के लोगों के हक खुद इरादियत का एहतराम करने का मुतालबा। चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन अल्ताफ हुसैन वानी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार, एहतजाज और इज्तम का कोई वजूद नहीं। खत्ते में मीडिया को मुकम्मल तौर पर खामोश कर दिया गया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को जलाओ घिराओ का केस। अदालत ने यास्मीन राशिद को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। यास्मीन राशिद के इलाज के लिए दरख्वास्त मंजूर। जेल हुकाम को यास्मीन राशिद के सर्विसेज अस्पताल से कैंसर टेस्ट कराने का हुक्म। यास्मीन राशिद ने सर्विसेज अस्पताल में कैंसर के टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी। चेयरमैन पीटीआई की बहन उज्मा खान करप्शन केस में मुजफ्फरगढ़ की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश। प्रोसिक्यूशन की जानब से रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। उज्मा खान की पूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई की बहन उज्मा खान पर लैया में जालसाजी से जमीन खरीदने का इल्जाम है। महंगाई, सियासी कारकुनान और वकला की गिरफ्तारियों के खिलाफ पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल, अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। लाहौर में वकला की GPO चौक से पंजाब असम्बली चौक तक रैली और एहतजाज। वकला सुप्रीम कोर्ट बार के इस्लामाबाद कन्वेंशन की कॉल पर एहतजाज कर रहे हैं। वकला का 90 रोज में इलेक्शन कराने का भी मुतालबा। छियानवे फीसद पाकिस्तानी मुल्की हालात के बायस बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला, सिर्फ 5% को रोजगार महफूज होने का यकीन। इप्सोस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। गुज़िश्ता एक साल में बेरोजगार होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में भी वाज़ह इजाफा। 63% ने खुद की या किसी जानने वाले की नौकरी खत्म होने का बताया। 99% ने रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी में मुश्किल होने का, जबकि 99% ने ही घर या गाड़ी जैसी खरीदारी के बारे में पुरेतमाद न होने का कहा। 96% पाकिस्तानी मुस्तकबिल में जरूरियात पूरी करने के लिए बचत और सरमायाकारी की सख्त न होने का इजहार करते दिखाई दिए। पुलिस ने रानीपुर में फातिमा हलाकत केस की मुलजिमा हिना शाह के घर डेरे डाल लिए, चौकी बना दी। SSP डॉक्टर समी सुमरो के मुताबिक कराची और रानीपुर में हिना शाह और फयाज शाह के लिए मारे गए छापे कामयाब नहीं हुए, लेकिन दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर खैरपुर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हिना शाह के शोहर और मरकजी मुलजिम असद शाह का मजीद 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दीगर मुलजिमान इम्तियाज और एजाज का भी 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची में पंजाब चारंगी अंडरपास के नीचे मेन लाइन से पानी भरने की वीडियो 2 साल पुरानी है, उसी वक्त लाइन की मरम्मत कर दी गई थी। कराची वाटर कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असदुल्ला खान का बयान, कहा सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फातिमा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड का दौरा। वेटिंग रूम में खवातीन जमीन पर चादर बिछाकर बैठी हुई थी। तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वजीर आला ने तीमारदारों से पैसे लेने वाले गार्ड्स और आया को मुअत्तल कर दिया। निगरान वजीर आला गंगाराम अस्पताल भी गए। कई वार्ड्स में ना AC था और ना ही पंखे चल रहे थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पैसे लेने की शिकायत मिली तो अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी।
कपास की तैयार फसल पर सफेद मक्खी का हमला। राजनपुर की तहसील जामपुर में आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर का स्प्रे सफेद मक्खी के हमले की रोकथाम के लिए किया गया। सफेद मक्खी के हमले से मुतासर होने वाला रकबा तकरीबन 1,00,000 एकड़ है। कराची में मलीर की मवेशी मंडी में बीमार जानवरों की मौजूदगी का इंकशाफ। कई जानवरों की जिल्द पर बड़ी गिल्टियां नजर आईं। डीजी लाइफ स्टॉक का कहना है फिलहाल जानवरों में लंपी बीमारी के नए केसेस की इत्तला नहीं है। मामले पर टीम भिजवा कर चेक कराएंगे। पिछले माह लंपी स्किन के 17 केस रिपोर्ट हुए थे। लीबिया में समुद्री तूफान से दरना शहर में हर तरफ तबाही बर्बादी। अमवात की तादाद 11,000 तक पहुंच गई। 20,000 अफराद जख्मी, 10,000 अफराद लापता। लापता अफराद की तलाश में शहरियों के अस्पतालों और शेल्टर होम्स के चक्कर। लाशों के लिए बैग्स कम पड़ गए। दरना शहर के मेयर ने अमवात की तादाद 18 से 20,000 तक पहुँचने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा शहर में मलबे तले और पानी में मौजूद लाशों से तआफ़ुन फैल सकता है। मराकश में जुम्मे को आए जलजिले से अमवात की तादाद 2,900 से तजावुज कर गई। 5,600 से ज्यादा जख्मी। रेड क्रॉस की $112 मिलियन की हंगामी इमदाद की अपील। कहा इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत शेल्टर बनाने, साफ पानी और सैनिटेशन की है। मराकश में गुज़िश्ता जुम्मे की रात 6.8 शिद्दत का जलजिला आया था। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 2023 का 7वां रोज जर्मन ग्रुप की जानिब से ट्रेजेडी के नाम से थिएटर पेश किया गया। दुनिया में पड़ने वाले असरात पर मुस्बत पैगाम दिया जाएगा। जियो और आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेरे इहतमाम पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने किसी को मिस यूनिवर्स मुकाबले हुस्न में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए नामजद नहीं किया। ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दी कि फिलिपाइन का एक शहरी जो दुबई में मुकीम है, उसकी कंपनी ने मुकाबला हुस्न के लिए पाकिस्तान की ख़वातीन से दरख्वास्तें मांगी थीं। वज़ीर आज़म ने फॉरेन ऑफिस को हिदायत की है कि वो दुबई हुकाम से राबता करें कि कोई प्राइवेट कंपनी मुकाबला हुस्न के लिए पाकिस्तान का नाम कैसे इस्तेमाल कर सकती है।